हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमित किसने आता है। फिर से नए ब्लॉग के साथ आ गई हूँ। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया ही था कि मैं मायके जाऊंगी तो आपको अपना वहाँ का शादी वाला एल्बम, मतलब मायके वाला शादी का एल्बम आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज मैं वो करने वाली हूँ। तो आंखों हल्ला नहीं करो अच्छू। तो मैं वो आज करने वाली। तो नीचे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था, टीवी वगैरह चल रहा है, पापा प्रवचन वगैरह देख रहे, इसीलिए मैं ऊपर आ गई हूँ। तो यहाँ पे आप लोग के साथ यहीं पे शेयर कर दूंगी। तो यहाँ मौसम भी बहुत अच्छा किया हुआ है, बारिश हो रहा है। एक मिनट आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए बारिश हो रहा, बहुत प्यारा मौसम किया हुआ है। बिल्कुल ठंड टाइप का लग रहा है, बिल्कुल गर्मी ऐसा लग ही नहीं रहा है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोग को, मैंने पूरी प्रिपरेशन कर रखी है। ये देखिए मेरा एल्बम, ये मैंने लाइट वाइट जला लिया है ताकि आप लोग अच्छे से दिखे। तो ठीक है गाइज, मैं अभी चलिए स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए गाइज, ये रहा मेरा एल्बम। और ये देखो बच्चे बोल रहे हैं कि मैं भी वीडियो में साथ ना आऊँगा, तुम बोले बैठो तब जब देखो, पर शांत रहना पड़ेगा बेटा दोनों जन को, ठीक है। तो मैं आपको स्टार्ट करती हूँ दिखाना। तो मैं पहले आप लोगों को बता दूं, आप लोग बैठोगे तब ना बेटा, इधर बैठो इधर बैठो। तो मैं बता दूं कि मेरी और मेरे भैया की शादी साथ में ही हुई थी। तो जिस दिन मेरा शादी था उस दिन भैया का रिसेप्शन था। तो दोनों का एल्बम साथ में है, तो आप लोगों को पता चल गया होगा। ये रहे भैया भाभी और ये रहे अमित जी और मैं। तो ये देखिए, तो मैं आप लोग को दिखाना स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखिए, सबसे बेस्ट पिक्चर है भैया भाभी का। तो ये रहे भैया भाभी और ये अमित जी और मैं, जो जयमाला का पिक है। तो ये भी वही, ये खाली है। तो फिर इधर ये रहा भैया लोग का पिक। तो ये भैया भाभी जो कि रिसेप्शन में बहुत सुंदर लग रही थी, पर शादी में इतना अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि उनका मेकअप अच्छा नहीं होता ये शादी का। और भैया तो ऑलवेज हैंडसम है ही। ये रहा मेरा, वाह आंसू वाह, देखो क्या पोज था। और ये मैं तिलक कर रही हूँ अमित जी को जयमाला के समय। अच्छा नहीं जाती नहीं जाती। और ये भी है मेरा और अमित जी का पिक। हाँ, और ये जो रिचुअल होता है, ये जो रिचुअल होता है वो सब का पीक है। तो ये रहा, ये मेरी चाची मम्मी जो कि आप लोग जानते हैं, ये बड़ी माँ लोग है। तो रिचुअल होता है उसमें जाते हैं मंदिर वगैरह, तो वहीं सब का पीक है। तो यही सब मैं सब जा रहे हैं, ये मम्मी चाची लोग हैं। और ये देखिए, ये सारी बहनें लोग हैं। हम लोग में ऐसा है ना कि लड़की लोग नहीं जाती, और मेरे ससुराल में लड़का लड़की लोग जाते हैं रिचुअल में। तो इसीलिए मैं ये सब में मैं और भैया नहीं होंगे। तो मैं ये लोग, ये लोग सारी मेरी बहनें लोग हैं। ये छोटी बहन है, ये भी बड़ी दीदी है, ये भी बड़ी दीदी है, ये भी बड़ी दीदी है, ये तो मेरी दीदी है। आप लोग शायद अपना कैमरा फेस नहीं जानते होंगे आप लोग। ये हाँ, ये आपकी मम्मा है। और ये छोटी है, और ये बहन नहीं है, दीदी की बेटी, इनकी बेटी है। हल्ला नहीं करो बेटा। ये देखिए भाभी भैया, मतलब घर आने के बाद रसम जो होता है, वो जो अंगूठी ढूंढने वगैरह वाला वो सब चल रहा है। ये देखिए वही सब रसम है, कुछ खिलाने खिलाने वाला भी रसम होता है, वो सब ही चल रहा है। अब ये चौठारी जो होता है, चौठारी हो रहा है जिसमें जाते हैं मंदिर और कुछ कुछ रसम होता है। ये देखिए ये वाला ढकनी कपटी फोड़ना ऐसा कुछ नाम है, वो सबके लिए जाते हैं। तो अब रिसेप्शन आ चुका है और मेरा शादी, भैया का रिसेप्शन और मेरा शादी। तो हम लोग आ रहे हैं, सबको बोला अगर हम कि एक झुआ दोनों दो दुल्हन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये भैया है मेरे, मतलब दोनों का एक ही साथ हो रहा था इसलिए ऐसा है, इसीलिए दो दो दुल्हन एक साथ बैठी है। बाबू अलग है, ये अभी स्टार्ट हो गया है और मेरा शादी। तो स्टेज पर हम लोग आ रहे हैं।
ये देखिए हम मैं और भाभी बैठे हुए हैं। ये भी ये सारा पिक है वो भाई मेरा और भाभी का। ये भैया भाभी मैं ये भी यहाँ पे भी ये भैया भाभी जो दादी आशीर्वाद दे रही हैं। ये भैया भाभी ये सारे मेरे भाई बहन लोग हैं। ये गेस्ट लोग जो आए हैं गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं। ये हम लोग चारों भाई बहन और भाभी। ये भैया मिल ही चुके थे। मैं ब्लॉग डाली थी यही लोग के साथ घूमने गई थी तो यही लोग मेरे साथ फ्रेंड हैं। तो ये रहा मैं सारा इसमें सेल्फी का ही पिक है जो मैं सेल्फी ले रही हूँ भाभी के साथ। वो सब सारा डाल दिया है इसमें और इधर भैया है और अब डीजे में डांस स्टार्ट हो गया था तो वो सब का पिक है। ये बड़े जिया जी है बड़े भैया वो लोग सब सारे डांस वांस कर रहे हैं उसका पिक है। भैया का पोज तो देखो ये देखिए डांस वांस वगैरह चल रहा है। दीदी का सिंगल है यहाँ मम्मी पापा तो सारे डांस कर रहे हैं। यहाँ मैं और भाभी डांस कर रहे हैं डीजे में उसका है। ये सारे हल्ला नहीं करो बेटा ये सारे हम लोग डांस वगैरह कर रहे हैं। तो ये रहा पापा डांस कर रहे हैं हम लोग के साथ। थोड़ा हल्ला इग्नोर कीजिएगा क्योंकि ये दोनों बच्चे सुन रहे हैं। नीचे इसी वजह से नहीं की थी कि ये लोग हल्ला करेंगे और अब मैं ऊपर आई तो ये लोग भी ऊपर आ गए। देखिए ये मेरा कितना सिंगल पीक है। ये दोनों मतलब दोनों भाभी मेरा लगभग सेम ही पीक है सेम ही स्टाइल है। खाना वगैरह खा रहे हैं ये भैया और मेरी फ्रेंड लोग और बाकी सब बैठ के इंतजार कर रहे हैं कि बारात आए जल्दी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट में बारात आ रहा है। बाबू हल्ला नहीं करो बोल रही हूँ बाबू। ये भैया था बारात आने में तो ये संधि मिलन का इंतजार कर रहे हैं पापा लोग कि आए जल्दी तुम हो जाए सब। तो अब बारात आ चुका है तो ये देखिए अमित जी आ चुके हैं अब अपना स्टाल भोज वगैरह दे रहे हैं और ये मैं एंट्री कर रही हूँ भैया बहन लोग के साथ। ये देखिए जयमाला स्टार्ट हो चुका है तो ये तिलक वगैरह हो रहा है मेरा। ये रहा जयमाला का पिक। ये देखिए मम्मी गाल वाल जो सेकना होता है वो सेक रही है कितनी ब्यूटीफुल लग रही है मम्मी देखो तो। और ये शादी कुछ कन्यादान वगैरह हो रहा है यहाँ पे और ये सिंदूर दान हो रहा है। यहाँ से मेरा लुक पूरा चेंज हो गया। तो ये संधि मिलन हो रहा है ये मेरे पापा पापा जी ये पापा पंडित जी। तो अब ये विदाई का देख लीजिए सबको का रोना धोना। और ये मुझे भैया पानी वगैरह पिला रहे हैं क्योंकि मेरा रो रो के हालत खराब हो चुका था। और ये पिक हम लोग शादी के बाद गए थे ना सूर्य मंदिर तो वहाँ पर फोटोग्राफर लोग बोले थे कि ये पिक मतलब कुछ अच्छा अच्छा पहन वहन के आना तुम लोग फोटो लेंगे। तो ये रहे भैया भाभी लोग ये मैं और हम लोग हैं। ये देखिए इधर भैया भाभी इधर मैं अमित जी। कितनी पतली थी मैं अभी अभी फैंसी हो गई। इधर हम लोग देखे ये रहा फोटो लेते सुंदर बेटा।
लोग नॉर्मल जो करना कर रहे हैं हम लोग फोटो क्लिक कर लेंगे, तो हम लोग अपना बातें कर रहे थे फोटो क्लिक हो जाएगा, ये भी काफ़ी खूबसूरत है। लाइट आ रहा, लाइट आ रहा, हाँ इसे ठीक है। तो फिनिशिंग होने वाला है, दे रहे हैं मेरा भाभी और ये लास्ट पिक है। हम लोग सारे लोग जो लोग गए थे वो लोग क्लिक करवा दिए, फिनिश हो गया। मेरा है सब कुछ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो ठीक है गाइस, नेक्स्ट टाइम मैं आपको मिलती हूँ, बाय।